अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अभी अभी बेटी का कपड़े हम खरीद के लेके आए हैं। आज इसने निकाह में जाना है अपनी फ्रेंड की, और इसकी कलीग भी है, तो इसके लिए ये नया सूट खरीद के लाई है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। ये देखिए, ये फ्रॉक है इसकी, मैक्सी फ्रॉक, और ये इसके बाजू हैं, और बहुत प्यारी सी है और बहुत खूबसूरत है। ये पूरी है, और ये है, और इसका ट्राउजर, वो तो हम वैसे ही बता रहे थे। हमने कहा जरा मानों को हम लोग ना वो करेंगे। इसका बेल्ट है, इसे वो क्या कह रहा था, और ये ट्राउजर कहाँ गया इसका, ये देखिए। ये ट्राउजर है इसका, ये दुपट्टा बड़े मजे का है, ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका बॉर्डर, इसका थोड़ा थोड़ा सा बना है, क्योंकि ये मेरी बेटी ज़्यादा फैंसी नहीं पहनती है, लेकिन अब जो है मैं चाहती हूँ कि ये लोग फैंसी पहना करें थोड़ा बहुत। ये तो बस हर वक्त, तो मैं मुझे अच्छा लगता है। ईद पे तो मैं इन्हें ज़बरदस्ती दिलाती हूँ, मैं कहती हूँ कभी तो लड़कियाँ बन जाया करो भाई। आजकल की बच्चियाँ बस कहती हैं ईजी कपड़े पहनने, तो ये है। अब पहने की तो फिर मैं बताऊंगी। अब इसके साथ कोई अच्छी सी जूती, कोई हील पहन लेगी तो ये बहुत मज़े के ये ड्रेस हो जाएगा। और आज इसने तकरीबन 7 बजे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपसे बताती हूँ, और बना रही हूँ मैं रात की हांडी। सुबह के नाश्ते में आपसे मिली थी, और अब मैं ये बना रही हूँ। ये मैंने प्याज डाला है, हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और टमाटर, ये मैंने डाल दिया है। इसमें नमक भी डाल दिया है, ये डाल रही हूँ देखिए। भुनाई कर लूँ, ये आलू इसमें डाल दिए मैंने, 4 आलू मैंने काटे हैं, ये दरमियाने साइज के थे। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए चिकन, अब इसमें मैंने बाकी का सारा दही जो था 1 चम्मच बचा हुआ वो भी डाल दिया। नमक थोड़ा कम था इसलिए मैंने नमक और डाल दिया, जो जितना जिसको जितना भी पसंद है नमक खाना, तेज या कम, थोड़ा अपनी मर्जी से डालें।
बाकी मसाले इतने हरी मिर्चें डालनी है। ये देखिए मसाला भुन गया है, आलू भी तकरीबन थोड़े से नरम हो गए हैं, तो अब मैं इसमें पानी डालती हूँ ताकि हल्के से ज़रूरत मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए हो तो फिर मैं इसमें बना लूँगी। ये मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन, और आपको पता है इसमें तो थोड़ी ग्रेवी होती है, बस इतना पानी काफ़ी है। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ फिर ये पकेगा तो फिर मिलता है। ये देखिए बस अब ये तैयार होने वाला है, थोड़ा सा और खुश्क हो जाए ये देखिए ये तैयार हो गया। और मैं इस पर धनिया छिड़का रही हूँ, ये भी सज गई और ये डन हो गई है। बस अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब ये बस तैयार हो गई है। हम मंगाती हूँ रोटियाँ और फिर हम लोग खाना खाते हैं।